अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निक का सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में दो ऐसे कोड के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप इन कोड को यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं, और दोस्तों ये कोड तमाम मोबाइल फ़ोन पर वर्क करते हैं। जैसा कि दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे कोड आ चुके हैं जिनको यूज़ करके आपके मोबाइल फ़ोन की कॉल या SMS या कोई भी डाटे को हैक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन का कोई भी डाटा हैक हो चुका है या कॉल या SMS कुछ भी हैक हो चुका है, दोस्तों अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा कोड बताऊंगा जिसको यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी डाटा अगर हैक हो चुका है उसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने जो मोबाइल फ़ोन का डायलर है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप मैं आपको कोड वो बताऊंगा जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन का कोई भी डाटा हैक तो नहीं है, जैसा कि कॉल SMS या कुछ भी फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों वो कोड क्या है, दोस्तों यहाँ पर जो मैं कोड डालने वाला हूँ दोस्तों आपने भी सेम वही कोड डाल लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैं डालता हूँ *#61#। डालने के बाद दोस्तों आपने जिस भी सिम पे चेक करना है, जिस भी सिम पे देखना है कि कोई भी डाटा हैक तो नहीं है, आपने उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं SIM 1 पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वॉइस का, डाटा का, SMS का, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे डाटा मिल जाता है। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस, उसके आगे लिखा हुआ है नॉट फॉरवर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे मेरा कोई भी डाटा हैक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन आए हुए हैं, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उन सब के आगे लिखा हुआ है नॉट फॉरवर्डिंग। अगर दोस्तों आपका कॉल या कोई भी SMS हैक हुआ है दोस्तों, उसके आगे उसका नंबर या उसके आगे लिखा होगा फॉरवर्डिंग। तो दोस्तों मेरे पास कोई भी डाटा हैक नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉरवर्डिंग। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाटा हैक हुआ हुआ होगा उसके आगे लिखा होगा फॉरवर्डिंग। दोस्तों अगर आप उस हैक हुए हुए डाटे को रिमूव करना चाहते हैं और अपने मोबाइल फोन को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों वो कैसे कोड डाल के कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों अब मैं आपको कोड वो बताता हूँ कि जिसकी मदद से आपका अगर मोबाइल फ़ोन हैक हुआ हुआ है, अगर आपके SMS कॉल या कुछ भी डाटा हैक हुआ हुआ है, तो उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर मैं टैप करता हूँ *#। तो *# टैप करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे टैप करना है *00 के बाद दोस्तों आपने 6 लिखना है, और उसके बाद दोबारा से आपने हैश डाल देनी है। डालने के बाद दोस्तों आपने जिस भी सिम पे अगर कोई भी डाटा हैक हुआ है आपने उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सर मेरे पास मैसेज आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो भी डाटा होगा हैक हुआ हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे इन दो कोड्स को यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। जी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।